और लोग यहाँ आते हैं जो अपने आप में खो जाते हैं। ये बहुत सुंदर मंदिर है, जो यहाँ काबा है, दुनिया के आकर्षण का केंद्र है, जो हर आदमी फोटोग्राफी करता है। तो यहाँ हजारों सैलानी आते हैं, दूर दूर से विदेशी भी आते हैं। साथ उनके जयंती निकलेगी, जयंती निकलेगी मंदिर के। तो मंदिर में एंट्रेंस करते ही ये लिखे रहता है कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी के लिए प्लीज फीस दे। कैमरा 30 रूपए, मूवी 70 रूपए, मोबाइल कैमरा, सेल्फी कुछ भी लेते हैं तो उसके लिए 30 रूपए चार्ज। इसमें मंदिर प्रातः सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। दर्शनार्थियों को मंदिर के नियमों का पालन करना होगा। दिखाओ एक बार, देख लो आज अपना भी किस्मत बढ़िया और धोड़ो काबे को दर्शन कर लियो, और आप सब लोगों ने घरे बैठा बैठा है धोड़े काबे को दर्शन भी करवा दियो। राम राम, नमस्कार, मैं महादेव और आप सब रोज झलको मीडिया पर स्वागत है। आज आप बीकानेर रे मायने, बीकानेर रो एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में शायद आप लोग सुनियो भी होला, देश नौकरा करनी माता जट है काबाड़ो माता जीरो मंदिर क्या करा चूहे वाली माता। आज जो मंदिर मायने मौजूद है आपने पूरा दर्शन भी करा वाला मंदिर है अंदर रहा, लेकिन सबसे पहले आपने बारह रोज को व्यू है दिखावा। देख सको अटे कितनी ज्यादा संख्या रे मायने लोग आ रही, भीड़ है मंदिर है, चारों तरफ दुकाना है जी की लागड़ी है, प्रसादी की भी दुकान लागड़ी है, और भी अगर आप कुछ खरीदारी कर रहे हो तो बाकी भी दुकान लागड़ी है, और मंदिर को भी जी को विजुअल है वो आप लोगों ने दिखाओ। देख सको आपने पीछे मंदिर जट है, दूर दराज से लोग है जी का दर्शन करने वास्ते आवे, और इस तरफ देख सको व्यवस्था है जी की मंदिर अंदर भी चला ना, अंदर जी को नजारो है वो भी आप लोगों ने दिखावाला। देख सको इस साइड में पानी की व्यवस्था है, और लोगों जानने वास्ते गैलरी भी बनाई, और बीच में एक मशीन सिस्टम भी लगाए है ताकि कोई अनलीगल चीज ले अंदर ना चले होता। कई अटे दर्शनार्थी भी मौजूद आ रहा हूँ, भी बातचीत करा। कौन सी जगह वहाँ भाई साहब? मानकरा सर। मानकरा सर, डूंगरगढ़ तहसील पुंद्रा, डूंगरगढ़ पुंद्रा सर का बठूंगा। बठूंगा सर, हर साल आओगे? हर साल आओ। मंदिर की कुछ मान्यता है करनी माता के मंदिर की, कोई विशेष बात बताओ? पुरानी मान्यता सर, पुरानी मान्यता, बहुत तगड़ी मान्यता है। अच्छा एक बार क्या व्हाइट काबे वो दर्शन हो जाएगा? हाँ, बढ़िया थाना हो गया माना हुए हो नहीं दर्शन हुए कई चलो पहली बार में हो, अभी हुए हो आप? नहीं हुआ कई बार, आवाज ना हुआ अब की बार हुए को नहीं हुए अब की बार? अब की बार हुए, कितनी बार ढूंढिया जद हुए थाना भाई? कई बार को नहीं हुआ, कई बार हो जाए हमेशा को नहीं। आज मतलब पहले नौरते की भीड़ जाता है, कल भीड़ जाता है, कल ज्यादा है, अब लास्ट नौरते हुए भीड़ जाता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सातम की होगी। सातम रखे छोटे से बच्चे ने भी सारा कुछ पता, सातम ने क्या है? सातम के कनिमा दे गए जयंती निकलेगी, जयंती निकलेगी मंदिर के पास। अच्छा बात बता रहा है, सही है? बिल्कुल सही है सर, सातम जयंती निकला करे छोटा चील, सात चील सागे चाले है, सातो चील ऊपर ऊपर घूमती है बार का, मतलब सात चील ऊपर ऊपर घूमे विदिन भी आप लोगों ने अठेरा दर्शन करावाला। लेकिन आज फिलहाल जी दूसरे नौते राटा मंदिर पहुंचा, तो मंदिर जगह अठेरा अंदर था दर्शन भी करावाला, और अंदर जगह लोग रह रहा है बारह बातचीत भी करा ला, आप लगातार वीडियो सागे जुड़े आ रहे हैं। बाकी अठेरा व्यू थे देख सको कितनी सारी भीड़ है, लोग है जगह दूर दराज से आ रहे हैं, कई माता में बहना आदमी है जगह सब आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, और मंदिर के चारों तरफ जी को ग्राउंड है, बट दुकाना लगेड़ी है अलग अलग। सबसे पहला तो आप देख सको कि आपके सामने मंदिर जी को विशाल दरवाजो है, आप लोग आ सामने है, अब बात करांगा आप बारे सुन। और ये 600 साल प्राचीन मंदिर है, और दुनिया के लिए अद्भुत है, आश्चर्यजनक मंदिर है, और लोग यहाँ आते हैं जो अपने आप में खो जाते हैं। ये बहुत सुंदर मंदिर है, जो यहाँ काबा है, दुनिया के आकर्षण का केंद्र है, जो हर आदमी फोटोग्राफी करता है। तो यहाँ हजारों सैलानी आते हैं, दूर दूर से विदेशी भी आते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में मंदिर ने छोटी सी एक टिकट कर रखी है, फोटो की टिकट रसीद कटवा के कर सकते हैं, तो वैसे वो मंदिर में काम आते हैं, विकास कार्य में काम आते हैं, और दूसरी जगह कहीं काम नहीं आते। मंदिर जी को अंदर सिस्टम है वो आप लोगों ने बतावाला, कि कई बार हमें जल्दबाजी में आ जाऊँ और कुछ ना कुछ गलती करके चला जाऊ, अंदर चला ना अंदर आपने दर्शन सागे सागे हर एक चेतावनी भी देखा वाला, तो लगातार वीडियो सागे जुड़े रहे। अब आप मंदिर मायने जा रहे हैं, और मंदिर थाने जी को अंदर विजुअल दिखाऊंगा, वो मेन दरवाजो है जटे आप पहुंच चुके हैं, और मेन दरवाजे जब आप अंदर जावा तो अंदर थाने वे पूरी जी की चेतावनी है वे भी दिखावा, कि कई बार लोग सीधा चले आ जावे, और जिगा मंदिर का कायदा और कानून दे रहा है बाकी हिसाब से भी कौन चले। देखिए मंदिर परिसर में आप जहाँ प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही ये चीजें नोटिफिकेशन आप मंदिर के जो भी आता है सामने आ जाता है। तो मंदिर में एंट्रेंस करते ही ये लिखे रहता है कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी के लिए प्लीज फीस दे। कैमरा 30 रुपए, मूवी 70 रुपए, मोबाइल कैमरा, सेल्फी कुछ भी लेते हैं तो उसके लिए 30 रुपए चार्ज हैं, और रसीद प्राप्त कर ही फोटो खींचे, आज्ञा से अध्यक्ष श्री करणी मंदिर निजी पन्यास, ये सारी जानकारियां लिखी है। तो हम समझाते हैं फिर भी लोग जानकर कहते हैं कि पैसे बच जाए वैसे चले जाए, फ्री फोकट में खींचे, ऐसे लोग झगड़ते हैं, लेकिन उनको झगड़ना नहीं चाहिए, ये मंदिर का काम है, मंदिर की संस्था में जाते हैं, मंदिर के विकास कार्य में काम आते हैं,
और नॉर्मल प्राइस हैं, इसमें कोई इतना वो ज़्यादा नहीं है जैसे आप जैसे सोच रहे हो। ये सबको सुविधा एकदम, हाँ 30 रुपये कोई मायने नहीं रखता, हजारों किलोमीटर से दूर आता है श्रद्धालु जो भी भक्त हैं। अब फोटोग्राफी करेगा तो नॉर्मल चीज़ है, मंदिर में पैसा जाता है, मंदिर में काम है, आप करो फोटोग्राफी कोई चल। आप तो आज की चीज है नोटिफिकेशन लगा है और जिका मंदिर जिका अध्यक्ष है ट्रस्टी है बाकी आगे सुना चीज लगेड़ी है लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों आ रहे हैं बहसबाजी और अठे भी एक सूचना लगेड़ी है। देखिए यहाँ भी एक सूचना पट लगा है जिसमें मंदिर प्रातः सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। दर्शनार्थियों को मंदिर के नियमों का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार का हथियार छाता छेला थैला आदि अंदर ले जाना मना है। किलेदार से रसीद प्राप्त कर मंदिर तथा किसी भी बाग का फोटो खींचा जा सकता है। ये देखो सारी जानकारियां हैं। बलि निषेध है, मंदिर में मदिरा पान करना सख्त वर्जित है, मंदिर क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करना मना है, मंदिर परिसर में किलेदार की लिखित अनुमति लेकर ही यात्रीगण ठहर सकते हैं और मंदिर की दीवारों कलाकृतियों एवं काबों यानी चूहों को यहाँ काबा कहते हैं, काबों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखे ऐसा भी लिखा। हर एक सूचना है जिगड़े साफ तौर लिखेड़ी है, देख सको एक मैंने कैमरे में आप गौर कर सको। धोलो काबो मतलब क्या सब ज्यादा शुभ होया करे और धोलो काबो है, देखो दिखाओ एक बार देख लो। आज अपना भी किस्मत बढ़िया और धोलो काबे दर्शन कर लियो और आप सब लोगों ने घरे बैठा बैठा है धोलो काबे को दर्शन भी करवा दियो। और बताओ जा रही हो किसी मान्यता है कि धोलो काबो है जिसको बहुत मुश्किल हूँ नजर दे मतलब नजर आवे भी कौन क्यों भाई साहब धोलो काबो हर जगह कौन आया साहब। देखिए ये जो मंदिर में आप जो चूहे देख रहे हो इनको चूहा नहीं बोलते हैं काबा कहते हैं, काबा बोलते हैं। काबा का अर्थ होता है करनी माता के बच्चे करनी बालक। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो माता जी के मूर्ति के पास रहते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो इसी परिसर में एरिया है। बाहर वाला जो काबा है परिसर बाहर परिसर वाला अंदर परिसर में नहीं जाएगा, अंदर परिसर वाला काबा बाहर नहीं आएंगे और यहीं रहते हैं। आज तक कोई फ्लैग जैसी कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फ्लैग फैला था, फ्लैग से ग्रसित थे, बीमार थे लोग जो आकर ये जो काबा पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, इस पानी को पीने से बीमारियां ठीक हो जाती है, पेट संबंधी डिजीज संबंधी सारी कुछ भी इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होता है। और सामान्यतः हम अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फेट हो जाता है, यहाँ कोई फेट नहीं है, कोई मरने के बाद कोई डिजीज नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब चमत्कार है। व्हाइट काबा जो हमारे में से अच्छा कर्म करता है वो बनता है, वो घूमते रहते हैं पूरे मंदिर में, 7-8 है, उसे देखना शुभ माना जाता है। और सर्वप्रथम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जब भी शुभ कार्य के लिए निकलते थे, कोई युद्ध लड़ना है चाहे कहीं भी कुछ सी प्रकार का वो शुभ कार्य मंगल कार्य के लिए जाते थे तो व्हाइट काबा के दर्शन होते हैं या तभी जाते थे। वो 3-3 घंटा तक वेट करते थे और अगर दर्शन नहीं होते तो वो शुभ कार्य के लिए नहीं निकलते थे, इसलिए शुभ माना जाता है। दर्शन होते तो एक सिग्निफिकेशन मिल जाता कि हमें ये काम करना है तो वो करते थे। चंडी माता को जी को मंदिर हो वो आप लोगों ने दिखाया, वो साके साके अंदर भी आपने दर्शन करवा लिया। आज रो वीडियो आप लोगों ने क्या लगे बताते मैंने कमेंट में जरूर जरूर बताओला। धन्यवाद जी, मैं महादेव और देख रहा झलको।